हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पिक्सल बिनिंग के बारे में। दोस्तों, पिक्सल बिनिंग एक मोबाइल कैमरा टेक्नोलॉजी है एंड जिसके वजह से मोबाइल जो है वो लो लाइट कंडीशन में भी फोटो ले सकते हैं। दोस्तों, अभी से अगर कुछ साल पहले की बात करें तो जब मोबाइल से हम लोग लो लाइट कंडीशन में फोटो लेते थे तो उस फोटो में बहुत सारे नॉइस होते थे, लेकिन अभी का जो मोबाइल से उसमें अगर हम लोग फोटो लेते हैं तो वो नॉइस नहीं रहते हैं। तो इसका मेन रीजन है कि अभी के जितने भी मोबाइल से उसमें पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको मोबाइल कैमरा सेंसर्स के ऊपर कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों आपके मोबाइल में पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी होना जरूरी है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हम जब भी कोई फोटो देखते हैं वो फोटो एक्चुअली पिक्सल्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। आप अगर फोटो को जूम करते हुए चले जाओगे तो एक पॉइंट पे आपको पिक्सल्स दिखने लगेंगे। तो इसीलिए पिक्सल का साइज जितना छोटा होगा उतना ही जो फोटो होगा वो ज्यादा क्लियर होगा या फिर डिस्टिंक्ट होगा। अभी के अगर जितने भी मोबाइल्स के बारे में बात करें तो इसीलिए उसमें हाई मेगापिक्सल्स का यूज किया जाता है ताकि जो फोटो आए वो क्रिस्टल क्लियर आए या फिर डिस्टिंक्ट आए। अभी बात करते हैं कि किस तरह से मोबाइल कैमरा सेंसर एक फोटो को कैप्चर करता है। दोस्तों, हम जब भी कोई कैमरे से फोटो लेते हैं तो उस कैमरे का जो सेंसर होता है उसमें बहुत सारे फोटोसाइट्स होते हैं जो कि लाइट को कैप्चर करता है। इन फोटोसाइट्स में रेड, ग्रीन एंड ब्लू फोटोसाइट्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज किया जाता है। जनरली ग्रीन फोटोसाइट्स को हर ऑल्टरनेटिव फोटोसाइट में रखा जाता है एंड ब्लू एंड रेड को ऑल्टरनेटिवली यूज किया जाता है। मतलब अगर पहला फोटोसाइट ग्रीन होगा तो नेक्स्ट होगा ब्लू, उसके बाद फिर से ग्रीन एंड उसके बाद रेड, इस तरह से अरेंज किया जाता है। और जब भी लाइट आके इन फोटोसाइट के ऊपर गिरेगा तो पर्टिकुलर कलर का जो फोटोसाइट है वो उसी कलर को उस लाइट में से फिल्टर करेगा। मतलब ग्रीन होगा तो ग्रीन लाइट को, ब्लू होगा तो ब्लू लाइट को एंड रेड रेड लाइट को फिल्टर करेगा। इस तरह से फिल्टर करने के बाद इन तीनों फोटोसाइट्स का जो डेटा होगा वो सिंगल एक पॉइंट में लाके एक RGB पिक्सल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है डीमोजाइकिंग, और डीमोजाइकिंग का काफी सारे टेक्निक्स है और उसमें से एक टेक्निक है पिक्सल बिनिंग। पिक्सल बिनिंग में बेसिकली क्या होता है कि चार जो पिक्सल्स होता है उनके जो डेटा होता है उसको कन्वर्ट करके एक पिक्सल में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों, हम जब भी कोई लो लाइट कंडीशंस में अगर फोटो लेते हैं उसमें जितना ज़्यादा पिक्सल्स होगा उतना ज़्यादा उसमें नॉइज़ दिखाई देगा। अभी के अगर कुछ साल पहले के मोबाइल्स में आप देखेंगे तो लो लाइट कंडीशन में जब भी फोटो लिया जाता था तो उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते थे। ये जो डॉट्स हैं वो जनरली नॉइज़ है। ये नॉइज़ फोटो लेते समय या फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते समय क्रिएट होते हैं। हम लोग जब भी फोटो लेते हैं वो एनालॉग सिग्नल होता है और उसको हम लोग जब डिजिटली अपने मोबाइल में देखते हैं तो उसको उस एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटली कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस में भी बहुत सारे नॉइस क्रिएट होते हैं। दोस्तों, पिक्सल बिनिंग के बारे में बात करने से पहले एक चीज समझना जरूरी है कि जब भी हम लोग हाई मेगापिक्सल वाले कैमरा से फोटो लेते हैं, अगर डेलाइट कंडीशंस में फोटो लेते हैं तो उस कैमरे से बहुत हाई क्वालिटी के फोटोज आपको मिल जाएंगे, लेकिन हाई मेगापिक्सल होने की वजह से अगर उस कैमरे को यूज करके हम लोग लो लाइट कंडीशंस में फोटो लेंगे तो उसमें नॉइस का परसेंटेज भी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए नॉइस के परसेंटेज को कम करने के लिए पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली चार पिक्सल्स का जो डेटा है उसको कन्वर्ट किया जाता है एक सिंगल पिक्सल में। मतलब चार पिक्सल मिलके जो लाइट कैप्चर करते हैं या फिर लाइट डेटा कैप्चर करते हैं उसको एक सिंगल पिक्सल में बदल दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि पिक्सल का जो इफेक्टिव पिक्सल्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं और जिसके वजह से जो आउटपुट फोटो होता है उसमें आपको कम नॉइज दिखने लगता है। हालांकि अगर आप 40 मेगापिक्सल के एक कैमरे से फोटो लोगे तो आपको खाली 10 मेगापिक्सल्स का एक फोटो मिलेगा, लेकिन 10 मेगापिक्सल जो है वो भी काफ़ी हाई होता है। इसके वजह से आपको फोटो डिस्टिंक्ट एंड क्लियर दिखने लगता है एंड उसमें नॉइज कम दिखने लगता है। इसका मेजर डिसएडवांटेज यही है कि अगर पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी एक लो मेगापिक्सल वाले कैमरे में यूज किया जाएगा तो जो इफेक्टिव फोटो आपको मिलेगा उसमें मेगापिक्सल्स काफ़ी लो होंगे। मतलब लेट्स से एक कैमरा का जो मेगापिक्सल है वो 12 मेगापिक्सल है और उसमें अगर पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है तो जो आउटपुट फोटो होगा वो खाली 3 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। इसीलिए जो पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी है उसको हाई मेगापिक्सल्स वाले कैमरा में भी आपको जनरली मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको यूज़ किया गया है Huawei P20 Pro मोबाइल में, जिसका जो कैमरा है वो 40 मेगापिक्सल का है। अगर उसमें अगर पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है तो अगर लो लाइट कंडीशन में आप उस मोबाइल को यूज़ करके फोटो लोगे तो जो इफेक्टिव फोटो आएगा वो 10 मेगापिक्सल्स का आएगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से मैं पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ आइडिया आप लोगों को दे पाया हूँ। आप भी अपने मोबाइल में पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी को प्रिफर करें, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि मेगापिक्सल जो हो कैमरे का वो हाई हो, अदरवाइज क्या होगा आपका जो आउटपुट फोटो होगा वो बहुत ही लो क्वालिटी का आपको मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपने पसंद किया तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए जाने वाले चैनल आइकन को जरूर दबाएं, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।